हेलो, कैसे हो आप सर? मैं एकदम बढ़िया हूँ। और व्लॉग काफ़ी लेट स्टार्ट किया है, शाम के 6 बज चुके हैं और अभी निकल रहा हूँ मैं घर से बाहर। सुबह से घर पे ही था, छोटे मोटे काम थे मेरे खुद के पर्सनल, वो कर रहा था मैं। और अभी निकलते हैं बाहर। सबसे पहले नारियल पानी पीना है आज, क्योंकि मेरा मतलब मैंने अपना नियम बनाया कि नारियल पानी पीना है हर एक दिन। तो आज नारियल पानी पीते हैं पहले, और उसके बाद में बाहर घूमते हैं और कुछ कुछ चीज़ आपको दिखाते हैं। अभी पी लिया था नारियल पानी, बट गाड़ी के बीच दिखे हैं गोलगप्पे वाले, और थोड़ा हेल्थ सही करने के बाद थोड़ी हेल्थ खराब करनी बनती है। तो अभी चलते हैं गोलगप्पे खाने। चुके हैं गोलगप्पे और अभी हाईवे पे घूम रहा हूँ मैं। तो कुछ काम तो है नहीं, बस छोटे मोटे मेरे को जाना ही है, कर लेते हैं पहले। इस टाइप की स्टॉल्स लगी होती है यहाँ पर, और शाम को थोड़ी सी शाम और होने वाले हैं यहाँ पर, ये सब ओपन हो जाएगी और फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स का काफ़ी लजमने वाला। कुछ काम था नहीं और इसलिए होटल में बैठ चुके हैं बिहार जाने के लिए। बिहार यहाँ का एक मतलब पहले का वो फेमस मॉल था, वहाँ पे चलते हैं और कुछ चीज़ें आपको वहाँ पे एक्सप्लोर करवाते हैं। मैंने पहले भी एक डाला था बिहार के, बड़ा पाव डाला था मैंने, तो बिहार में मैंने खाया था, वहाँ पर वापस जाते हैं। बिहार आने के लिए यहाँ पे जो ये ऑटो दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये छोड़ देते हैं, और ये जो फ्लाईओवर के नीचे जो बना हुआ है पासिंग, यहाँ से आना पड़ता है और उसके बाद में ये वाला रास्ता निकलता है जहाँ जाने के लिए, और थोड़ा चलते ही वीआर आ जाता है फिर बाद में। अभी पहुँच गए अपन वीआर, और ये है वो पूरा वीआर, इसमें बहुत सारे शोरूम्स वगैरह हैं एंड मेनली H&M और सेंट्रो के आते हैं लोग। कि आप आओ तो इस साइड से ही एंट्री लेना, दूसरी साइड आओगे तो यहाँ पे सीटियाँ बजाई जाएंगी और आपको वापस इधर से आना पड़ेगा। ये लिखा हुआ है आई लव पंजाब, और ये पूरा वीआर मॉल। वहाँ पे एक बहुत प्यारी कार भी रखी हुई है और उस पर भी लाइट वाइट नहीं आ रही, तो अच्छे से शो भी नहीं हो पा रही है। ये पूरा है वीआर। अभी हम भी यहाँ पे पहुँच गए हैं, चलते हैं अंदर की तरफ। अभी ऐसे यहाँ पे लाइटिंग लगी होती है, काफ़ी अच्छी लगती है, इनकी शेडो काफ़ी अच्छी लगती है। और यहाँ से इनका मेन एंट्रेंस है, अभी निकलते हैं इसकी तरफ। सिक्योरिटी पहले चेक करवाएंगे कि हम बॉम्ब वॉम्ब तो नहीं लेके आए, और उसके बाद में अंदर जाके कुछ नहीं चेक करते हैं। ये पहुँच गए हैं वीआर मॉल। ये है सुपर ड्राई, ये स्टेयर्स, और ये है स्टारबक्स। पुरानी यादें वापस ताज हो गई हैं। यहाँ पे है ये सऊदी, वेलकम टू अरेबिया। यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन का यूज़ किया जा रहा है और फिर पीछे से फोटो क्लिक की जा रही है। अच्छा सीन है H&M के अंदर, और चलते हैं अंदर की तरफ। यहाँ पे ये सारा का सारा सेक्शन है वो गर्ल्स का है, और ये सबसे पहले हर टाइम पे चेंज होता रहता है इनका इंटीरियर। ये देखिए मैं कैसे लगा हूँ, लाइट्स कम पड़ रही है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। मैन सेक्शन, और ये था किड सेक्शन, उससे आगे था फीमेल वाला सेक्शन, मतलब गर्ल्स वाला सेक्शन। अभी चलते हैं मैं H&M के बाहर, और अगर मतलब कुछ अगर पसंद नहीं आता तो आप घूम फिर के आ सकते हो बाहर, ऐसी कोई बात नहीं कि लेना ही पड़ेगा, जैसे नॉर्मल शॉप्स में होता है। और इधर ये क्रोमा, अभी हम सिर्फ ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हैं, अभी चलते हैं। और ये मार्क स्पेंसर है, अभी चलते हैं ऊपर की तरफ। कभी कभी एक्सेलेटर्स चलते ही नहीं है तो पैदल ही चलना होता है, अभी चल रहे हैं हम पैदल। और ये पहुँच गए हम फर्स्ट फ्लोर पर। यार मतलब अच्छा था किसी टाइम पर, बट धीरे धीरे इसकी सेल्स डाउन हो गई क्योंकि एलांटे यहाँ पर ओपन हो गया, और एलांटे काफ़ी फेमस हुआ था क्योंकि वो इंडिया में फर्स्ट नंबर पे आया था मॉल्स के अंदर। और यहाँ पे देखोगे आप बहुत सारे शॉप्स वगैरह क्लोज भी होकर गए हैं, बट मेनली यहाँ पे सेल्स की वजह से ये क्लोज हो जाती है। और सबसे जो मेरा फेवरेट है वो है ये वेबसाइट, टाटा जी का ना, टाटा मेरा फेवरेट है, टाटा जी मेरा फेवरेट है और उनकी सारी चीज़ें मेरी फेवरेट है। बस घूम फिर रहे हैं इधर, कुछ अच्छा मिलेगा तो लेते हैं, नहीं अच्छा लगता कोई नहीं, फिर कभी आ जाएंगे लेने के लिए। इसके नेक्स्ट वाले फ्लोर पर है फूड कॉर्ट, जहाँ पे हम खाते रहते हैं वड़ा पाव वगैरह। और यहाँ पे बहुत सारी शॉप क्लोज हो चुकी है यार, पहले फेमस था अभी थोड़ा ऐसे हो गया डाउन डाउन से, कोई नहीं। और H&M में कुछ खास कैसे नहीं था, कुछ कुछ भी नहीं किया वहाँ पर। आपको अगर बहुत सारे ब्रांड ट्राई करने हैं एक ही छत के नीचे, तो कभी भी चले आना सेंट्रो के अंदर, यहाँ पे सारे ब्रांड्स मिलेंगे सारे के सारे, और वो भी ऑफ वाले। इसमें ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी, ये है पानी पीने के लिए, ऐसे आप आराम से यहाँ से पानी पी सकते हो जापानी टेक्नोलॉजी के हिसाब से, काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। आपको मिलेंगे वॉशरूम के आसपास और फूड कोर्ट के जगह पे। अभी आ गए हम फूड कोर्ट वाली जगह पे, और यहाँ पे पीवीआर की गोल्ड क्लास भी मिल जाती है यहाँ पे। ये बच्चों के खेलने के लिए जगह है, और इस साइड है फूड कोर्ट। और अभी आया फूड कोर्ट और ऑर्डर किया वड़ा पाव, क्योंकि मुंबई में खाने के बाद में मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा वड़ा पाव,
और यहाँ का भी काफ़ी अच्छा है, इसका टेस्ट अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है। थोड़ा सा महंगा ज़रूर है बट अच्छा लगता है। हमारे ऑर्डर तैयार हो रहे हैं वहाँ पर। ये है वो चाट बाज़ार, इसकी मैंने एक शॉर्ट्स भी डाली थी बहुत पहले स्टार्टिंग में, और वहाँ पे बड़ा पाव तैयार होंगे, फिर उसके बाद में यहाँ पे आएंगे। फूड कोर्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद में यहाँ से होते हुए और ये पूरा का ऊपर का जो भी फ्लोर है वो सारा का सारा, और अपना ऑर्डर आ चुका है। नहीं चलते आ चुका अपने ऑर्डर, थोड़ा महंगा है वड़ा पाव, 80 रुपये का बनता है यहाँ पर, मतलब नहीं 80 का नहीं 84, मतलब 80 का नहीं बनता, 84 का बनता है। 84 मुझे हिंदी आती है, नोटेंस है, तो थोड़ा महंगा बट क्या कर सकते हैं, ये टेस्टी बनता है तो यहीं पे खाना पड़ता है। और फूड कोर्ट दिखा रहा है, मैं आपको फूड कोर्ट दिखाता हूँ पहले कितना बड़ा, बर्गर किंग और उसके बाद में फूड कोर्ट यहाँ तक, और फिर जो लास्ट आता है वो यही आता है। बहुत टेस्टी है, आपको फूड कोर्ट के अंदर ट्रेन भी दिख सकती है, तो घबराना मत, कोई बात नहीं, आप उसकी रेंट ले सकते हो। ये फ्लॉप इतना हो चुका है कि यहाँ पे पिज्जा हट बंद हो चुका है, पोस्टर लगे रहते हैं ओपनिंग सोन, और शायद इसकी तो ओपनिंग भी हो गई है बट नीचे हुई है। और ये है पूरा का पूरा वीआर मॉल, ये है फन सिटी, ये मेरे पंजाबी नहीं आती, उसके साइड में अंग्रेजी लिखी हुई है तो मैंने वो पढ़ी है, बस तो चलते हैं अभी देखते हैं कुछ क्या क्या कुछ मिलता है यहाँ पर। फूड कोर्ट वाले एरिया के अंदर थर्ड फ्लोर के ऊपर इतने सारे हैं, और ये इसका पूरा एरिया बना हुआ है, ऐसे सेकंड फ्लोर है बट अपन ग्राउंड फ्लोर को फ्लोर बोल देते ना फर्स्ट वाला, उसके वजह से थर्ड फ्लोर होते हैं। वीआर मॉल से बाहर अभी सेकंड फ्लोर पे आ गए हैं ऑलमोस्ट, और सारी शॉप वगैरह भी क्लोज होने लगी है। कुछ खास तो कुछ किया नहीं, बस वड़ा पाव खाने आए थे, कुछ सामान लेने भी आया था बट कुछ खास मिला नहीं, और जैसे निकलते हैं यहाँ से बाहर मॉल से बाहर, और अंधेरा हो चुका है, कैब बुलानी पड़ेगी घर जाने के लिए। अभी आ गए हैं वीआर मॉल के बाहर और थोड़ी देर बैठा हूँ यहाँ पर, व्लॉगिंग के लिए बैठा हूँ वैसे बेसिकली। आप लोग लाइक तो करते नहीं हो, कोई नहीं, देख लो ऐसा है वीआर मॉल। और जो मैं गाड़ी दिखा रहा था आपको इंटर करते वो ये वाली गाड़ी है, इस पर भी लाइट वाइट नहीं लगी हुई, अक्टूबर मतलब दीपावली के महीने के अंदर तो यहाँ पे बहुत सारी लाइट्स वगैरह थी, काफ़ी अच्छी भी लग रही थी यहाँ पर। यहाँ पर ये गाड़ियाँ जा रही हैं पार्किंग की साइड में, और इसका एंट्रेंस और एग्जिट वहीं से होता है। ये है पूरा वीआर, पहले वीआर काफ़ी अच्छा था, इसने देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, एक मिनट में दिखाता हूँ, वेलकम बैक, ठीक है, क्योंकि ये शायद मेरे हिसाब से बीच में बंद हो गया हुआ, कुछ रीजंस हो सकते हैं, पर जैसे ये जो भी है हमारे पास में ये आता है तो ये अच्छा लगता है। बैठा हूँ बाहर कुछ इस टाइप से, टेबल है उसी पर बैठा हूँ। अरे फिर से आ गए, एंट्री ले रहे हैं क्योंकि हमें कॉफ़ी की तलब लगी थी, अभी निकलते हैं स्टारबक्स की तरफ, पहले एंट्री करवा लेते हैं उसके बाद में निकलते हैं। ऑर्डर कर दिया स्टारबक्स में, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्या होती है यहाँ पर ऑर्डर देना, क्योंकि अजीब अजीब से नाम होता है वो समझ नहीं आता, बस जो चीज़ ट्राई नहीं की होती कभी वो ट्राई कर लेता, अच्छी लगती है ठीक है, नहीं लगती कोई बात नहीं, और रेगुलर आते तो कैपेचिनो चलता ही है, कैपेचिनो तो बहुत पहले से ही ट्राई करते रहते तो वो अच्छा लगता है। और अभी दो कॉफ़ी ऑर्डर की, एक कोल्ड और एक हॉट, और ट्राई करता जो कोल्ड कॉफ़ी है, मतलब जो कोल्ड है वो होगी मोका, और दूसरी वाली है वो है कॉफ़ी लेटे, तो ट्राई करते हैं और ज़्यादा अच्छी लगती है। बॉटल कोल्ड है तो मेरे साथ में वो और ट्राई करेंगे, मैं कोल्ड ट्राई करने वाला हूँ, क्योंकि वैसे पहले से मैंने बड़ा पाव खाया तो गर्मी गर्मी वाला से माहौल होकर रखा, यहाँ बैठते हैं और सबको इंजॉय करते हैं। वेट कर रहे हैं ऑर्डर का, यहाँ पे ऑर्डर आने वाला अपना यहाँ प्लेस होगा, और फिर मैं यहाँ से लेके आऊँगा। वहाँ ये पूरा इसका इंटीरियर है, देखिए इसकी फ्रेम्स वगैरह, काफ़ी प्यारा इंटीरियर है, सॉन्ग से ले हुए, पता नहीं कॉपीराइट क्लेम आया हुआ नहीं आएगा, देखते हैं। ये आ चुके अपने ऑर्डर, और कॉफ़ी को एंजॉय करते हैं। स्टारबक्स का बाहर का सीन, और बस यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा है, और यहाँ पे वही लोग आ सकते हैं जिन्होंने कॉफ़ी पी होती है, मतलब ली होती है वही लोग, क्योंकि इसके अगर आप उनको दिखाऊँ अच्छे से तो यहाँ पे इतना बड़ा गैप है, एक मिनट दिखाता हूँ आपको, ये वाला गैप,
नहीं, फिर आपको ये गैप है कवर करके आना पड़ेगा, मतलब खुद के छलांग वलांग मार के, और यहाँ पर स्लाइडिंग वाइलिंग जो है तो गिरने का चांसेस भी है, और ये चारों तरफ है तो आपको बच्चे जाके आना पड़ेगा। अगर आ सकते हो तो यहाँ पर बैठ के फोटोज़ क्लिक करवा लो, वहाँ से नहीं आ सकते तो पहले अंदर जाके कॉफ़ी लीजिए जो कि एंट्री गेट से होगा, और उसके बाद में आप यहाँ बाहर बैठ सकते हो, वो भी इस वाले रूम से, इधर से आना पड़ेगा, और फिर आप यहाँ बैठ के आराम से अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हो। मॉल से चलने वाले थे 8 बजे का अप्रोक्स, और अभी टाइम हो गया है 9:40, और अभी निकलते हैं मॉल से, घर निकलते हैं, घर पे खाना वाना खाते हैं, फिर अगर बाहर चलने का प्रोग्राम हुआ तो आपको दिखाता हूँ फिर बाद में। आपको अगर VR जाना है CU की तरफ से तो आपको यहाँ पे ऑटो चेंज करने पड़ेंगे, जो कि आता ही बीच में खरड़, और 40 रुपये में आप वहाँ पहुँच सकते हो। वहाँ से आ गए थे और फिर मुझे दिखाया यहाँ पे रसमलाई और रबड़ी फालूदा, जब सर्दियाँ थी यहाँ पे तो गजरेला मिलता था, मतलब गाजर का हलवा, और ऐसा ही फूड ट्रक है, काफ़ी अच्छा है, तो हमने बनवाई है यहाँ पे रबड़ी, और इसको ट्राई करते हैं, 50 रुपये की बहुत सस्ती है, इसको खाते हैं। हम आ चुके अपनी कॉलोनी के अंदर, पेट पूरा भर ही चुका है, खाना भी कई खाने वाले, अभी घर पर निकलते हैं और ब्लॉग एंड करते हैं। अभी पहुँच गए घर पर, नहीं घर पर तो मैं पहुँच गया था 10:30 ही, और अभी बजे हैं रात के 12, और हम फिर से जाने वाले हैं बाहर, क्योंकि तलब लगी है चाय की। मुझे नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे गर्म चीज़ें जो लिक्विड में होती है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होती, बट जिनको लगी है उनके लिए जाना पड़ेगा, रात के 12 बजे, क्या ही कर सकते हैं, चलते हैं बाहर। और जो मैंने पहले वाली क्लिप बनाई थी वो वाली मैं लास्ट में लगा दूंगा, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना है, अब मैंने इनसे उठाऊँ अभी। ये देखो रात के बताया ना, ऑलमोस्ट 12 बजे हैं, और ऐसी भीड़ रहती है यहाँ पर, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, लाइट्स वाइट्स थोड़ी सी कमी है, बट बहुत सारी भीड़ रहती है वहाँ पर। अभी आ गए रोज़ कैफ़े जहाँ कल आए थे, और अभी यही ओपन है, एक एजुकेशन चाय वाला ओपन है रात के 12 बजे, तो यहाँ पे ट्राई करते हैं कुछ अगर मिले तो, नॉर्मल हल्का फुल्का, मैं तो मैगी खाऊँगा, इनकी अगर चाय मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। रात के बजे हैं 12:12, और हम खा रहे हैं यहाँ पर मैगी, इस उल्लू की तरह जाग रहे हैं हम भी, क्या ही कर सकते हैं भाई, तलब तो लगी थी चाय की, बट यहाँ पे चाय नहीं मिलती, और चाय पीनी है अभी भी तो बाहर जाके, पहले मैगी खानी है यहाँ पर, खाते हैं भाई। मैगी से की खा लिया, और अभी चल रहे हैं एजुकेशन चाय वाला में चाय पीने, मैं नहीं पीऊँगा, जिनको पीनी है वो पीनी भाई। अब होगी चाय की तलब ख़त्म। रात के 12:43 हो गए, और अभी तक लोगों की चाय चल रही है यहाँ पर, एक और होने वाला है यहाँ पर चाय नाम से एक ओपनिंग, इसको भी ट्राई करेंगे कभी किसी रात को। फिर चलते हैं यहाँ से अंदर, काफ़ी ज़्यादा के रखा है यहाँ पर। ये देखो रात के स्टॉल्स रात के 1 बजे भी चल रहे हैं, और कुछ कुछ बंद हो गए बेचारे, बट बाकी भी चल रहे हैं। ये कॉलोनी के कुत्ते भौंकते हुए, बट जैसे इनके पास में जाएंगे चुप हो जाएंगे, क्योंकि ये हमें जानते हैं, जानते हो ना, हम बस हम ही हैं, कोई नहीं आया, कोई चोर नहीं आया, ठीक है। अभी घर पहुंचते हैं, और जो मैंने पहले क्लिप बनाई थी वो मैं लास्ट में एडिट कर दूंगा, तो ब्लॉग को देखना यार, लाइक करना। अभी पहुंच गए अपने घर पे, और आज के ब्लॉग में सब कुछ यही था, बिना कुछ प्लानिंग के था, पर जैसे मूड कर रहा था वहाँ वहाँ जा रहा था, और बिना प्लानिंग के सब कुछ बोल रहा था, कुछ मतलब ये नहीं था कि मुझे ये बोलना है, मुझे ये बोलना है, जैसा ठीक ठाक लगा हो तो देख लेना आपने अपने अपने हिसाब से। और ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।